अमरदास भारती 20 रुपया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं इस वक्त हूं दोस्तों पेंड्री तालाब के पास में। पिछले कुछ वक्त से सोशल साइड में यूट्यूब व्हाट्सएप के जरिए से मुंगेली जिले का यह तालाब मुंगेली जिले के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस हो रही है दोस्तों। बताया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से, नहाने से आपकी जो शारीरिक समस्याएं वो दूर होती है, शारीरिक बीमारियां जो हैं दूर होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं उस तालाब को दिखलाने वाला हूँ, क्या माहौल है उस तालाब में। चले फिर आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को वह तालाब दिखलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। रात 2 बजे से लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं 4 किलोमीटर पहले से यह जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 किलोमीटर पहले लोग अपना बाइक कार रख कर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप लोग सुबह सुबह आते हैं ना, तो सुबह सुबह आप लोग बाइक कार 1 किलोमीटर पहले, तालाब के 1 किलोमीटर पहले तक ला सकते हैं। अदरवाइज आप 6 से 10 बजे 11 बजे तक आएंगे ना, तो आपको 4 किलोमीटर पहले पार्क करना पड़ेगा। और इस तरह से इंस्टॉले आपको खाने पीने से रिलेटेड इंस्टॉले देखने के लिए मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं और इनसे भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं दोस्तों। आगे चलकर आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा। ये भीड़ आप लोग देखिएगा, लंबी कतार लोगों की लगी हुई है और तालाब तक, तालाब के पास बहुत भीड़ है ऐसा लोग बाग बता रहे थे। तो चलते हैं तालाब के पास में और आप लोगों को वहाँ का माहौल मैं दिखलाता हूँ, किस तरह से नज़ारा वहाँ का होने वाली है। और काफ़ी फेमस हो चुका है यह तालाब छत्तीसगढ़ में, बहुत ही फेमस हो चुका है। दूर दराज से काफ़ी लोग आ रहे हैं। मुंगेली जिला तो छोड़ ही दो भाई, पूरे जिले के, छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं ना, उस जिले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। फाइनली मैं उस चमत्कारी पेंड्री तालाब के पास पहुँच चुका हूँ। ये देखिएगा अपने परिजनों को लोग नहला रहे हैं और ऐसी मान्यता है 3 सोमवार नहाने से आपके शारीरिक जितने भी बीमारियाँ वह दूर होती है। इनके चमत्कार का अंदाज़ा, फेमस होने का अंदाज़ा आप ये देखिएगा, तालाब के चारों ओर लाखों की संख्या में भीड़ है उसे देख कर लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर भीड़ है दोस्तों, लाखों की संख्या में अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तो यहीं पर हैं ऐसा लगता है मुझे। और ये आप रोड भी देख सकते हैं, रोड में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। और किनारे में आपको बहुत सारे स्टॉले देखने के लिए मिलेंगे और जो चल नहीं पा रहे हैं ना, उनको भी लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। ये देखिएगा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ताकि कुछ समस्या उनका दूर हो जाए, ऐसा कुछ विश्वास है इन लोगों का। और ये देखिएगा तालाब में बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी नहा रहे हैं। और तालाब के बीच में आप लोग देखिएगा, नारियल ही नारियल आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और चारों किनारे में आप जहाँ भी देखेंगे ना, आपको लोग ही लोग देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी मान्यता है दोस्तों, इस तालाब में नहाने से 3 सोमवार आपको नहाना होता है और आपके शरीर से संबंधित जितने भी बीमारियाँ हैं वह दूर हो जाती है। यहाँ के मिट्टी लगा के नहाने से जितने भी आपकी समस्या वह दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों का कहना है। और यही मान्यता और चमत्कार से लोग लगातार खींचे यहाँ पर चले आ रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ के मिट्टी और पानी है ना, अपना घर ले जाते हैं। और जो नहीं आ पा रहे, बहुत से लोग लाते भी नहीं हैं, तो उनको ले जाकर उससे नहलाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। बहुत सारे ये नारियल का आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोगों को एक बार मैं फिर से दिखला दूँ, और यह जगह मुंगेली जिले में स्थित है दोस्तों। और चलते हैं आगे, चलते हैं, ये भीड़ आप लोग देखिएगा आगे चलकर, और आप लोगों को दिखलाने का मैं प्रयास करता हूँ। सामने में पूजा पाठ भी चल रही है, फ़ोटो वगैरह सामने में लगी हुई है। पास चलकर आप लोगों को दिखलाऊंगा, शायद तक अमरदास जी का फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है ऐसा लगता है मुझे। और ये देखिए एक बार फिर से आप लोगों को मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये कुछ इस तरह से नज़ारा है। चलते हैं यहाँ पर, आप लोगों को मैं और दिखला देता हूँ। यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है, ये देखिएगा फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, प्रसाद वगैरह का वितरण भी यहाँ पर हो रही है दोस्तों। ये देखिएगा, ये देखिएगा पूजा पाठ यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और सामने में फ़ोटो वगैरह लगी हुई है ऐसा लगता है मुझे, दिख रहा था दूर से, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखला दिया जाए यहाँ का नज़ारा भी। ये आप लोग देखिएगा ना, ये देखिएगा फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर लगी हुई है, गुरु अमरदास जी की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों। और भीड़ आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा आपको मैं दिखला दूँ, अमरदास जी का ही फ़ोटो है। अमरदास
ये देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो चल नहीं पा रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही आप लोगों को इस तालाब के किनारे में बहुत से लोग देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये देखिएगा आप लोग, तो ऐसे ही लोग आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों, और उनके परिजन ये विश्वास के साथ लेकर आए हुए हैं यहाँ पर नहलाने से, मिट्टी लगाने से, शायद तक इन्हें कुछ राहत हो जाए, कुछ इनकी समस्याओं का हल हो जाए, ऐसी विश्वास लेकर यहाँ पर उनके परिजन लेकर आए हुए हैं। लगातार आप लोगों को मैं यहाँ की जो डिटेलिंग है वो दिखलाने बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आई होप हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और यह देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं दोस्तों, और जो चल नहीं पा रहे उनको बाइक से भी लेकर आए हुए हैं। लकवा वाले लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, लकवा कैंसर और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड, कुष्ठ रोग से रिलेटेड लोग यहाँ पर आए हुए हैं। छोटी बच्ची को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं यार, मुश्किल से 2-3 मंथ की यहाँ बच्ची होगी, और उनके पेरेंट्स इनको लेकर आए हुए हैं नहलाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग देखिएगा, बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची है। और ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में सोमवार के दिन नहाया जाता है दोस्तों, और गुरुवार के दिन नहाया जाता है। मुख्यतः यहाँ सोमवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है गुरुवार के दिन के मुकाबले, और लाखों की संख्या में सोमवार के दिन आते हैं। 3 सोमवार यहाँ पर नहाना होता है। इसके अलावा इनके मिट्टी का लेप शरीर में लगाकर नहाने से आराम मिलता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो सोमवार के दिन आइएगा, सोमवार के दिन इसे तालाब का मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। और गुरुवार के दिन आप लोग आ सकते हैं, उस दिन भी अगर आप लोग आना चाहेंगे तो 2 ही दिन है, बाकी दिन आप लोग आएंगे तो आकर दर्शन करके चले जाइएगा। बाकी मान्यता सोमवार के दिन है और गुरुवार के दिन है, तो मुख्यतः आप लोग सोमवार के दिन आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ते जा रही है। और ये देखिएगा, एक कमी मुझे ये महसूस हो रही है दोस्तों कि ना महिलाओं और पुरुष के लिए ना अलग अलग स्थान डिवाइड कर देना चाहिए था नहाने के लिए। वैसे तो लोग चारों तरफ नहा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को एक तरफ कर देना चाहिए था और पुरुष को एक तरफ कर देना चाहिए था, ताकि नहाने और कपड़े वगैरह बदलने से रिलेटेड समस्या ना हो। और ये देखिएगा, नारियल ही नारियल आपको इसे तालाब में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको नारियल देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिएगा, भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। दूर तक आप लोग नज़र डालिएगा, जहाँ आप लोग नज़र डालेंगे ना वहाँ तक आपको लोग ही लोग देखने के लिए मिलेंगे।